हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगी गर्ल कोमल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू के गोले। तो ये आलू हैं जिन्हें हम लोगों ने उबाल लिया। ये छोटी आलू है, सीजन चल रहा है आलू का, इसलिए अभी खेत से ही निकाली गई है, नई आलू है और ये बहुत छोटी है अभी। तो इनको इतनी सारी आलू है हम लोगों ने उबाल लिया है। तो हमें इन सारी ये आलू मैंने आलू छील लिए हैं, उसमें मैं डालूंगी मिर्च, इसे 6-7 मिर्च हैं और इसमें 5 प्याज हैं, प्याज बारीक कटे हुए छोटे से, और ये कद्दूकस किया हुआ अदरक है, ये जीरा और धनिया थोड़ा क्रश कर दिया मैंने भून के, और ये धनिया है, ये सारा चीज़ इसमें ऐड करूँगी। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया, लाल मिर्च, हम लोग क्या खाते नहीं इसे, लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक, ये सारा हमें मिला लेती हूँ इसको। ये मेरा बेसन है तो इसमें इसमें मैं इसका घोल बनाऊंगी। तो इसमें सिर्फ मैं नमक ही डालूंगी और मिर्चें भी डाल सकते हैं, पर हम पिसे मिर्चें बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, वरना पिसे मिर्चें और ये क्या कहते हैं नमक इसमें डाल दें। जो बाउल बनाए हैं उनको इसमें डिप कर दिए हैं और उसके बाद मैं इसे सो गाइस, मेरा तेल हो चुका है और मैं इसमें जा रही हूँ अपने पकौड़े डालने, आलू के गोले, और क्या कहते हैं फ्लेम जो है 3 नंबर पे मैंने इंडक्शन का फ्लेम कर दिया है और ये मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए कढ़ाई में डाल दिए गए हैं आलू के गोले, बस इनका थोड़ा सा वेट हमें करना होगा इनके पकने का, उसके बाद ये पक जाएंगे, खाने के एकदम लायक हो जाएंगे। तो बस थोड़ी देर में ये पक जाएंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो अगर आप लोग को ये आलू के गोले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास ऐसे वीडियोज़ आते रहें। तो देखिए थोड़े ये देखिए पक चुके हैं अच्छे से हमारे आलू के गोले, इन्हें निकाल लिया जाता है। सो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।